नमस्कार दोस्तों, श्री किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी रबड़ी जो सभी को पसंद आती है। ठंडी ठंडी रबड़ी फ्रिज में रख के खाएंगे तो और भी टेस्टी लगती है। बहुत ही आसान और सरल है इसको बनाना। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे लिया है मैंने आधा लीटर फुल क्रीम दूध। इसमें पानी ऐड नहीं करना है। एक गंजी मैं गैस के ऊपर रख चुकी हूँ। अब इसमें डालूंगी एक चम्मच देसी घी। मेल्ट होने देंगे और अब मैं डालूंगी यहाँ पे एक चम्मच गेहूं का आटा। इसको अच्छे से भून लेंगे। रबड़ी को कई प्रकार से बनाया जा सकता है। ब्रेड से, मावे से, प्योर दूध से, कई प्रकार से बना सकते हैं। आज हम आटे से बना रहे हैं। सौंधी सौंधी रबड़ी बन के तैयार होगी हमारी। आटे को अच्छे से भून लेंगे, चलाते हुए भून लेंगे। आटा भून चुका है। हम इसमें डाल देंगे दूध। दूध में पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। फुल क्रीम दूध लेना है और ध्यान से चलाते हुए पकाना है। दूध में पानी नहीं है इसलिए दूध हमारा नीचे तली में चिपक सकता है, जल सकता है, तो रबड़ी का टेस्ट खराब हो जाएगा। चलिए हम इसको कुछ देर बाद दिखाते हैं हम आपको। देखिए हमारी रबड़ी इतनी पक चुकी है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर 4 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें क्योंकि अभी रबड़ी और पकेगी तो और कम होगी। चलाते हुए पकाएं। हमारी रबड़ी लगभग पक चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलिए ऑफ कर देती हूँ गैस। लीजिए हमारी रबड़ी ठंडी भी हो चुकी है। इसमें मैंने कोई फ्लेवर ऐड नहीं किया है इलायची का। आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसमें अब ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पिस्ता, काजू, बादाम लिए हैं। आप इसको घेवर, जलेबी, गुलाब जामुन कैसे भी खा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। फ्रिज में ठंडा करके खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको 8 से 10 दिन फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। देखिए बहुत टेस्टी रबड़ी बन के तैयार हुई है हमारी। बस इसको बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखें। आटे को अच्छे से भूनें, चलाते हुए पकाएं, दूध तली में ना चिपके। एकदम बहुत सौंधी टेस्टी रबड़ी तैयार हुई है हमारी। चलिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे हमारी नई वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।